ये किस्सा उस फिल्म के गानों का है जिनको आवाज दी थी रफी साहब ने रफी साहब के गानों की बदौलत इस फिल्म को पहचान मिली नहीं तो ये फिल्म बड़ी स्टार कास्ट के बावजूद भी डब्बा बन जाती क्या था पूरा किस्सा कैसे रफी साहब के गानों ने इस फिल्म की लाज बचाई क्यों ये फिल्म बन नहीं पा रही थी आज इसके बारे में बात करेंगे दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा नमस्कार मैं महेश कोहली बॉलीवुड संगीत के सफर से 1967 के शुरुआत की ये बात है एक प्रोड्यूसर डायरेक्टर फिल्म बना रहे थे इस फिल्म की स्टार कास्ट में थे मनोज कुमार साधना शशिकला महमूद बलराज सहनी इतनी बड़ी स्टार कास्ट थी इस फिल्म के अंदर तो जाहिर सी बात है फिल्म भी बड़ी होगी तो प्रोड्यूसर ने जब ये फिल्म शुरू की तो इसको जो पहला ग्रहण लगा इसकी जो अभिनेत्री थी साधना जी उनको थायराइड की प्रॉब्लम हो गई थारॉयड की प्रॉब्लम हो गई तो साधना जी इलाज करने के लिए गई बाहर अब इस फिल्म पर फर्क पड़ने लगा शूटिंग ऑन ऑफ थी कभी फिल्म की शूटिंग होती थी कभी नहीं क्योंकि साधना जी विदेश गई थी इलाज कराने साधना जी लौटी 68 में जब 68 में लौटी तो काफी सूजन उनके चेहरे पर थी उनके शरीर पर थी जब वो ठीक हुई तो उन्होंने फिर फिल्म में काम करना शुरू किया और अपनी कुछ फिल्में निपटानी साधना जी ने शुरू की उसमें एक फिल्म थी सच्चाई एक उड़िया फिल्म थी मगर ये जो फिल्म जिसकी हम बात कर रहे हैं जिसके गानों की बात कर रहे हैं इसके गाने रिकॉर्ड हो चुके थे सिक्सटी सेवन ही में तो जब इसके गाने रिकॉर्ड हो चुके थे मगर ये फिल्म बन नहीं पा रही थी जैसा मैंने कहा साधना जी विदेश चले गई थी इलाज कराने कभी फिल्म की शूटिंग होती कभी नहीं भी होती साधना जी जब विदेश से आई उन्होंने जब अपनी और फिल्में करना शुरू की अब इस फिल्म में एक और प्रॉब्लम आ गई इस फिल्म के जो प्रोड्यूसर डायरेक्टर थे शत्रुजीत पॉल उनको फाइनेंस की कमी होनी शुरू हुई फाइनेंसर्स ने हाथ पीछे खींचना शुरू कर दिए फाइनेंसर्स को शायद ये लगता था कि स्टार कास्ट की वजह से फिल्म डिले हो रही है कैसे इस फिल्म में वो फाइनेंस लगाए और फाइनेंशियल कंडीशन इतनी खराब होती गई इस फिल्म की हालांकि इसके जो कॉमेडियन थे महमूद साहब उन्होंने कई इंटरव्यू में खुलासा किया था कि मनोज कुमार साहब के कारण ये फिल्म डिले हुई थी मगर ये तो महमूद साहब ही जाने मगर फाइनेंशियल क्राइसिस से फिल्म जूझ रही थी ये बात सच है तो इसके डायरेक्टर प्रोड्यूसर शत्रुजीत पॉल काफी टेंशन में थे फाइनेंस फाइनेंसर्स कि मान गए और फिर इस फिल्म की शूटिंग शुरू हुई मगर फिर भी फिल्म ऑन ऑफ रही कभी शूटिंग होती थी कभी नहीं भी होती थी मगर किसी तरीके से धीरे धीरे कर करके कर इसकी शूटिंग पूरी की गई 1975 में सेंसर बोर्ड ने इसको सर्टिफिकेट दिया मगर ये फिल्म जारी हुई 1977 में लोगों के बीच में ये पहुंची 1977 में इस फिल्म में एक और ग्रहण में इस फिल्म स्टार कास्ट में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे थे बलराज सानी उनकी डेथ हो जाती है नाइनटीन में एक ये भी ग्रहण इस फिल्म में लग चुका था खैर फिल्म किसी तरीके से कंप्लीट हुई जी हाँ ये फिल्म कौन सी थी ये फिल्म थी अमानत इसके म्यूजिक डायरेक्टर थे रवि साहिलुद्यानवी थे गीतकार रफी साहब ने इसके गाने गाए थे इसमें आशा भुसले जी ने भी गाया था मन्ना डे साहब ने भी गाया था और रफी साहब के गाने इतने पॉपुलर हुए थे इस फिल्म में मतलब निकल गया है तो पहचानते नहीं मतलब निकल गया है तो। तेरी जवानी तपता महीना रह करके न करो बात करीब आ जाओ दूर तो साइकिल पे हसीनों की टोली भर दिया मेरी चाहत भर दिया ये गाना मन्ना डे साहब ने दिया था तो इस फिल्म के जो मेन गाने हिट हुए थे उसमें था मतलब निकल गया तो पहचानते नहीं इस गाने ने सबसे ज्यादा धूम मचाई थी बहुत लोगों का यह भी कहना है कि इस फिल्म के गाने पहले ही हिट हो चुके थे पहले हिट हुए या फिल्म के आने के बाद हिट हुए मगर इस फिल्म को जो पहचान दिलाई इसकी जो लाज बचाई वो रफी साहब के गानों ने ही बचाई और 77 में काफी रफी साहब के गानों ने धूम मचाई थी एक तरफ धर्मवीर के गाने भी धूम मचा रहे थे ये था दोस्तों अमानत फिल्म का किस्सा अमानत फिल्म सेवनटी की जो बॉलीवुड की फिल्म की अगर आप लिस्ट देखेंगे फिल्म टॉप टेन तो टॉप ट्वेंटी में भी शायद ये फिल्म नहीं है अमानत को पहचान मिली सिर्फ और सिर्फ उसके गानों से रवि साहब ने बहुत अच्छा संगीत दिया था और रफी साहब की आवाज तो आपको पता ही है मतलब निकल गया है पहचानते नहीं तेरी जवानी तपता महीना दूर रह कर ना करो बात करीब आ जाओ ऐसे ऐसे नयाब गाने आज भी अमर ये गाने हैं तो दोस्तों ऐसे भी किस्से में ऐसे किस्से में आपके लिए लेकर के आता रहूंगा महेश कोहली को दीजिएगा इजाजत गुड बाय गुड लक एंड टेक केयर